अगर पेमेंट नहीं करोगे तो हायर कलेक्शन में जा सकता है अकाउंट। हाँ ना, तो घर पे आ जाओ तो भी होते ठीक है, अमर पूरा कैश जो फोन डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा कोई मोबाइल नंबर है आपसे इसके अलावा? घर में ना कैश दे दो तो पूरा आते हैं। सॉरी क्या बोल रहे हो आप? घर पे आ तो ये पूरा कैश दे दो। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ अमर गणेश वालिया। हाँ हेलो हेलो हाँ बोलिए। अमर गणेश हाँ बोलिए। अमर जी नमस्कार, मैं दीपक बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, कार्ड नंबर एंड होता है 4511 से। एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वीजा क्रेडिट कार्ड उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे क्रेडिट कार्ड का 15 तारीख को बिल बन गया था, 15 मई को। बिल अमाउंट 33,137.96 पैसा, मिनिमम का अमाउंट 5,910 रुपया। क्रेडिट कार्ड का 15 अप्रैल को बिल बना था जिसका पेमेंट 5 मई से पहले करना था। अमाउंट है आपका 1,076 रुपए। पेमेंट आपने अभी भी किया नहीं है, पेमेंट लेट होकर 16 दिन हो चुके हैं। जान सकता हूँ अमर जी पेमेंट क्यों हुआ अभी तक? बताया ना रिकवरी करने वाला। सॉरी बताया ऑलरेडी। अच्छा क्या हुआ था जान सकता हूँ? पर बताया ना सारी डिटेल आपको। क्या हुआ था अमर जी? मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बता ऑलरेडी भाई रहे क्या? सॉरी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है अमर। कान से बज रहा है क्या? हेलो अमर जी, एक तो आपने पेमेंट है ठीक है, पेमेंट आपका 16 दिनों से लेके, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पेमेंट क्यों नहीं किया? हाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया ना अभी पेमेंट है। नहीं आपको तो बताना पड़ेगा ना अमर जी, आपको बार बार फोन आ रहा है। बताया ना क्यों बता? हाँ क्यों नहीं किया पेमेंट? क्योंकि बैंक आपको रोज का ब्याज लगाते जा रहे हैं। तो लगा नहीं रहे। आपने सिर्फ इतना बताया कि पर्सनल इशू ही कोई। सब बताया सस्ती करने वाला। सॉरी सस्ती करने वाला सब बताया। हाँ तो अमर जी आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, 31,000 का लिमिट है कार्ड का। आउटस्टैंडिंग बन चुका है आपका 33,137.96, ओवर लिमिट हो चुका है कार्ड अमर जी आपके यहाँ पे। हेलो तो हमें भी अपडेट करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पेमेंट करेंगे आप? 10 तारीख को क्या पे करूँगा? 10 तारीख को पे करोगे ऐसा आने वाले जून महीने में? हाँ हाँ। तो फिर तब तक बैंक आपको पूरा 33,137.96 पैसा आपका अमाउंट है ना, पूरे अमाउंट पे रोज का ब्याज लगाते रहेगा 2.5 से 4% प्रोरेटा डेली बेसिस पे। साथ ही लेट पेमेंट चार्जेस अलग से 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक के, उस पर 18% जीएसटी लगातार रोज के फोन भी आते रहेंगे, आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप बता नहीं सकते ना पेमेंट क्यों लेट किया था आपने? हेलो नहीं नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना? नहीं ठीक है अमर जी, तो मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। आगे से थोड़ा टाइमली पेमेंट करना है, बैंक का पैसा है वो देना पड़ता है टाइमली। ठीक है सॉरी मत सीखा रखता हूँ। हाँ तो देना तो आपको पेमेंट भी करना पड़ता है ना खर्च। सॉरी तू दिया है क्या? हेलो हाँ तू दिया है क्या पैसा? सॉरी तेरे से लिया है क्या? हाँ तो हमें एक्सिस बैंक के लिए काम करते हैं ना अमर जी। हाँ हमारा काम है। मेरा आईडी बता। सॉरी मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी बता क्या? सॉरी अमर जी मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी बता क्या? समझ नहीं पा रहा हूँ, एक तो आपका आवाज में आ रहा है ठीक है, फोन आते रहेंगे, पेमेंट कर दीजिएगा। तू मत सिला चल रखता हूँ। हाँ तो पेमेंट करना पड़ता है अमर जी, पैसा लेते हैं ना तो देना भी पड़ता है। तू फोन है तेरे से लिए क्या? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तेरे से रिस्पॉन्सिबल है ना, बता रहा हूँ ना मैं आपको, देना भी पड़ता है अमर जी। तेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी बताना क्या? अगर मेरे पास अनुमति रहता दे देता मैं अमर जी आप तो अब तक ठीक है। हाँ तो पेमेंट कर देना है अमर जी आप। हाँ तो पेमेंट कर देना पड़ता है, अगर खर्चा करते हो तो देना भी पड़ता है अमर जी। मैं तो फोन तो आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अमर जी, फोन तो आते रहेंगे। मैं नहीं करूँगा। तू क्या? सॉरी मैं क्यों करूँ डिस्कनेक्ट? तू कर, तूने फोन किया ना, तूने फोन किया ना, तू कर डिस्कनेक्ट, मैं क्यों करूँ? तो आपका सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है ठीक है। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आप आकर बात कर सकते हो ना तो अच्छे से बात कर पाएंगे। Oh.
हेलो। अब बोल, फुल नेटवर्क हाँ तो आपको वही बोल रहा हूँ, अगर नेटवर्क एरिया में आकर बात करोगे ना तो अच्छे से बात कर में, पाएंगे आप फुल अपन। नेटवर्क में बोल रहे हो? सॉरी, फुल नेटवर्क में बोल रहे आवाज में आ रहा है हमारी? हो? 2 बजे फोन कर। हाँ तो फोन आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्यूरी ना हो तो। तू बदला डिस्कनेक्ट, तूने किया सॉरी, फोन? मैंने तूने हाँ तो किया ना वही बोल रहा फोन? हूँ ना, तू हमारे कर, लिए अब तू बदला फोन पेमेंट कर डिस्कनेक्ट, दीजिएगा। ठीक है, पेमेंट कर दीजिएगा। बताया ना सभी को। हाँ तो 10 तारीख बोल रहे हो ना आप, इतना पेमेंट लेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी 16 दिनों से लेट है हमारे लिए, पेमेंट कर देना चाहिए था आप तक। तेरे सॉरी, से क्या? लेकिन बैंक ने तो पैसा कलेक्ट करने के लिए मुझे तेरे अपॉइंटमेंट से दिया अच्छा तेरा हमारे एम्प्लॉयमेंट लिए। आईडी बता क्या है? तेरा सॉरी, एम्प्लॉयमेंट आईडी बता ना क्या है? हाँ तो मैंने आपको बोल दिया ना अमर जी, तो मैं जैसे मानू मैंने बैंक आपको पहले ही बोल दिया से अमर जी, मैं कैसे मानूंगा? एम्प्लॉयमेंट मैंने आईडी आपको पहले ही बोल बता, दिया अमर जी। ठीक है, तो पेमेंट एम्प्लॉयमेंट आईडी बता, कर दीजिएगा। पूछता हूँ तो बैंक को, तो नहीं तो पूछता सॉरी, हूँ तो बैंक को, तो नहीं तो एम्प्लॉयमेंट आईडी दे देगा। सॉरी, मैं आपके आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ अमर जी। ठीक है, अरे तेरा फोन डिस्कनेक्ट एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो आईडी अगर दे, कोई तेरा क्यों रहना हो तो। भाई रे एम्प्लॉयमेंट आईडी दे, पूछता हूँ बैंक को। मैंने आपको बोल दिया ना अमर जी, पेमेंट करना पड़ता है आपको। तो आना घर पे कैश देता हूँ, सॉरी, आ रहे घर पे आए कैश रखा हो देता हूँ तुम्हें। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना अमर जी, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो हायर कलेक्शन में जा सकता है अकाउंट। तो आना तो घर पे आए देता हूँ तुम्हें, ठीक है अमर पूरा जी, कैश देता फोन हूँ। आ डिस्कनेक्ट जा कर सकते हो। दूसरा कोई तो मोबाइल देना, नंबर है तो आपसे इसके अलावा? घर में ना कैश देता हूँ तुझे, पूरा आता है घर सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? पे आया तुझे पूरा कैश देता हूँ। हाँ वही बोल रहा ना, और सबसे स्टार्टिंग में ये जो बात करने का तरीका नहीं देता अमर जी, माफी चाहता हूँ, ये जो आप बोलते हो बेरे हो क्या, बेरा है क्या, तू ये मुझे बात मत करने का पूछा, सही से तू तरीका नहीं मुझे आपका। मत क्या पूछा, बोले आप? तू मुझे मत पूछा। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप आपके ओर से नेटवर्क में कोई इशू है, लेकिन ये आपका बात करने का सही तरीका नहीं है अमर जी, बेरा है क्या, बेरे हो गया। ठीक है, समझ मुझे मत पूछ रहे हो? बात करने का तरीका। हाँ तो पहले फिर तेरा पेमेंट ये कर देना पड़ता है, अगर आइडेंटिटी, फोन नहीं चलते ना आपको तो पेमेंट कर देना पड़ता है, तेरा आइडेंटिटी भी है, मैंने तेरा आईडी समझ रहे हो बता रहा ना? है तू, नहीं चलता ना आपको ये सब कुछ अमर जी, तो पेमेंट कर देना तेरा पड़ता है। सिंपल सा ऑप्शन नहीं आईडी, करेंगे हमारे ओर से, फोन नहीं आएंगे आपको, फोन तेरा डिस्कनेक्ट कर आईडी, सकते हो क्यों ना हो तो। सॉरी, तेरा आइडेंटिटी नहीं कुछ, कहाँ से फोन कर रहा है तू? अरे सॉरी, तेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है, कहाँ से फोन कर रहा है तू? सॉरी, हेलो हेलो हाँ बोल बोल हेलो, आ रहा है, बोल बोल आ रहा है। तो हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, आपका आवाज में बिल्कुल आप सुन नहीं पा रहा हूँ, आप फोन डिस्कनेक्ट कर तो सकते हो, कॉल करना बैक आ जाएगा पड़ेगा हमारे आपको, ओर, तो कट कॉल बैक आ कर जाएगा देता हमारे हूँ, ओर से। आपको तो कट कर देते, सॉरी, कट कर देना फिर बोल।